राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं मां बंधुओं, आज शुक्रवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ महालक्ष्मी की कथा। बंधुओं, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की कथा सुनने मात्र से आपका घर धन धान्य से सदा के लिए भरपूर हो जाएगा। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, कहा जाता है लक्ष्मी जी का जन्म समुद्र से हुआ। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु शीघ्र उठिए, इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता ना मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ तुम लोग सुनो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंद्राचल को मधानी और वासुकी नाग को रेती बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादि देव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकाश की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर गए और दैत्य को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस और विषम अग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा, महातेजस्वी महादेव जी, कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंद्राचल को पकड़े हुए थे। स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंद्राचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। इसके बाद जब देवता और दानवों ने शीर्ष समुद्र का मंथन आरंभ किया, तब पहले पहल उससे देव पूजित कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो भविष्य की उत्पत्ति का साधन मानी गई। तत्पश्चात वारुणी अर्थात मदिरा प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवो, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। इसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं
उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उसके कंठ में काला दाग पड़ गया, तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने ग्रहण किया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैःश्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके बाद क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी। हाथ में कमल लिए थे, उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महाऋषियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात श्री समुंदर ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के बाद दिव्य माला दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुए, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वसुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वह इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूं कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपा पूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मगन हो शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।